प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। निश्चय जो आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रभु आज आपसे बातें करेगा। यीशु ने जो अपना वचन दिया है, उस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करेगा। मेरे प्रियो, ये वचन जो हम बाइबल से पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में जब उत्पत्ति एक अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसमें सृष्टि का वर्णन किस प्रकार से हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि जो कुछ भी पृथ्वी पर है, जो कुछ सृजा गया है, वो सब चीज़ें वचन के द्वारा सृजी गई हैं। आप ये जानते हैं कि बाइबल बताता है इस प्रकार से कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और बाइबल ये भी बताता है कि परमेश्वर ने जो कुछ बोला, जो सुनसान जगह थी वहाँ पे, जहाँ पर कुछ नहीं था, खंडहर था पूरा, और वहाँ पे कोई भी सृष्टि नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन जाने से कुछ वहाँ पे रचना हुआ, जो कि बाइबल बताती है। आप उत्पत्ति पूरा पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। सातों दिन में, छः दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, किस प्रकार से किया, और वो भी बाइबल बताता है वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, जब वचन के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो आप जान लीजिए, जब आज भी ये वचन जीवित है, आप यदि वचन को सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में इस वचन को जाने देंगे, तो आज जो भी आपका सुनसान हृदय है, आप रो रहे हैं, आप पीड़ा में हैं, आप दुखी हैं, आपको किसी ने धोखा दिया है, आप बहुत बीमारी में हैं, आप समस्या में हैं, आपको नहीं पता है कि मेरा उद्धार कौन कर सकता है, मेरे प्रियो, आज आप वचन को यदि आप जाने देंगे अपने जीवन में, तो आप अनुभव करेंगे और अपने जीवन में आप देखने पाएंगे कि यीशु वचन के द्वारा आपके जीवन में किस प्रकार का कार्य करता है। हालेलुया, प्रभु आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, आज जो वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है यशायाह से उसका 9:6-7 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया, जो यहाँ पर पुत्र दिया जाएगा, आपको पता है वो पुत्र कौन है जो इस जगत की शांति के लिए दिया जाएगा? उसका नाम यीशु मसीह है। जिस यीशु पर आप विश्वास करते हैं, उस यीशु के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन को आप सुनते रहे, हमारे लिए एक पुत्र दिया जाएगा, वो पुत्र है यीशु। आप यीशु पर विश्वास यदि करते हैं तो बाइबल बताता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। युक्ति करने का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड में है, काउंसलिंग करने वाला। वो हमारे जीवन के लिए, आप यदि दुख में हैं और आपको पता नहीं है हम किस मार्ग पे चल रहे हैं, तो प्रभु आपको अपना मार्ग देके वो सलाह देगा कि इस मार्ग पे चल, इसी में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यीशु आपसे प्यार करता है और बाइबल इस प्रकार से बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, आपको पता है, आपको केवल परमेश्वर ने जो पृथ्वी पे अपने पुत्र को भेजा है, उस पर आपको केवल विश्वास करना है, जीवन आपको मिल जाएगा। और बाइबल बताता है ऐसा जीवन नहीं, वो भी अनंत जीवन देगा। और बाइबल आप पढ़ेंगे यूहन्ना 10:10 में, तो बाइबल बताता है बहुतायत का जीवन यीशु मसीह आपको और हमें देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, यीशु बहुत प्यार करता है। हम चाहते हैं कि आप उसके प्यार में डूबे, आप उसके प्यार को अनुभव करें, उसके वचन को पढ़ें,
आप जब उसके वचन को पढ़ेंगे तो आप अनुभव करेंगे और जानेंगे कि यीशु आपसे कितना प्यार करता है, उसने आपके लिए क्या क्या किया है। जरूर आप वचन को पढ़ें। और बाइबल 7 पद में लिखता है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। मेरे साथ आप यदि हैं तो बोले, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। मेरे प्रियो, आपको पता है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब आप जितने भी आप सुसमाचार की किताबें हैं, सुसमाचार की किताबें यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यीशु के बारे में पता लगेगा। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पढ़ेंगे तो आप जरूर जानेंगे। बाइबल बताता है जब यीशु का जन्म हुआ तभी से जो शैतान की योजना थी वो उसको नष्ट करने का था, क्योंकि शैतान जानता था कि परमेश्वर ने एक योजना बना चुका है कि वो अपने पुत्र को भेजेगा और पुत्र के द्वारा मेरे अधिकार को छीन के मुझे अधोलोक में डालेगा, मेरे अधिकार जो लोगों पर अब तक रहा है मुझसे छीन लेगा और मुझे दूर फेंक देगा, मैं लोगों को परेशान नहीं करने पाऊंगा, मेरे राज्य में कोई नहीं आएगा। ये शैतान जानता था और वो जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी समय से उसको नष्ट करने के लिए कोशिश करता रहा। आप पढ़ेंगे तो हेरोदेस भी, बाइबल बताता है उस समय जब यीशु का जन्म हुआ तब 2 साल से और 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे उस समय जन्माए गए थे सबको हेरोदेस ने मरवा डाला। क्यों? ताकि यीशु भी उन बीच में नष्ट हो जाए। लेकिन बाइबल बताता है परमेश्वर ने उसे मिस्र के लिए भेज दिया था और जब हेरोदेस मर गया तब उसे वापस लाया। आप देख सकते हैं उसके पराक्रम, जो उसका प्रभुता है उसको नष्ट नहीं कर पाया वो हेरोदेस। आप जब और आगे बढ़ेंगे, यीशु मसीह जैसे जैसे बढ़ता गया लोग उस पर नालिश करते रहे, उस पर दोष लगाते रहे, लेकिन लोग नष्ट नहीं कर पाते थे। एक समय आया कि यीशु को लोगों ने धोखे से क्रूस पर चढ़ाया। आप सोचे कि अब इसको हम मार देंगे, क्रूस पर चढ़ने की सजा हो गई है, अब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और ये नष्ट हो जाएगा, इसकी प्रभुता खत्म हो जाएगी और इसका राज्य जो यीशु के पीछे लोग अभी चल रहे हैं हजारों लाखों में, ये सब बंद हो जाएगा, यीशु का राज्य पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया तो गया, यीशु ने प्राण तो दिए, यीशु कब्र में रखा तो गया, लेकिन ये बाइबल बताता है कि वो 3रे दिन फिर जी उठा। मेरे प्रियो, उसके पराक्रम का, उसके जो शांति का अंत है वो कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि उसके शांति का कभी अंत नहीं होगा, उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी। वो कब्र से निकल गया। मेरे प्रियो, यीशु के राज्य को शुरुआत से ही नष्ट करने के लिए लोगों ने चाहा लेकिन नष्ट नहीं कर पाए, उसके राज्य को समाप्त करने के चाहा लेकिन समाप्त नहीं कर पाए, उसके पराक्रम को, उसके प्रभुता को नष्ट करना चाहा, खत्म करना चाहा लेकिन कोई आज तक खत्म नहीं करने पाया। यीशु मसीह जी उठा और अपने चेलों को भी वो काम सौंप के गया कि मेरे प्रभुता, मेरे जो प्रभुता है, मेरा राज्य है वो बढ़ाना है। और यीशु स्वर्ग चला गया और बाइबल बताता है प्रेरितों के समय में भी यीशु मसीह के जाने के बाद जो यीशु के चेले थे वो यीशु के कार्य को करना शुरू किए और तब भी लोग सोचे कि नष्ट कर दे लेकिन कोई भी नष्ट करने नहीं पाया। ये परमेश्वर का जीवित रहने का प्रमाण है और यीशु के अंदर वो सामर्थ है वो प्रमाणित करता है। मेरे प्रियो, आप कोई भी दुर्दशा में हो, आप कोई भी पीड़ा में क्यों ना हो, यदि आपको लोगों ने धोखा दिया है, मारा है और लोगों ने चाहा, सोचा कि अब ये कुछ नहीं कर सकता, आपके जो बैरी हैं आपको चाहे कि नष्ट कर दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप यीशु पर आज भरोसा करते हैं तो आपके लिए ये वचन है। मेरे प्रियो, आपका जो आप जिस प्रभुता के नीचे हैं वो आपको उठा के खड़ा करने के लिए जा रहा है, आपके जीवन को पूरी तरह से वो बदलने के लिए जा रहा है। यीशु आपको बुलाया है ऐसे वैसे नहीं। मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो आज स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, उसने आपसे प्यार किया है। वो आपको बाइबल बताता है इब्रानियों में, वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे प्रियो, वो आपसे प्यार करता है। आप जानते हैं लोगों ने नष्ट करना चाहा उसके राज्य को प्रेरितों के समय में भी। बाइबल एक चीज बताता है, आप जब
प्रेरितों की किताब उसका 16 उसका 5 पद में पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गईं और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गईं। लोगों ने चाहा कि उसके चर्च को बंद कर दें, लेकिन यीशु की सामर्थ आज भी जीवित है और उस समय से कलीसिया बढ़ती गई और बाइबिल बताती है कि बढ़ती गई और आज आप भी देख सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यीशु को मानने वाले लोग हैं, यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं और यीशु का चर्च बढ़ता ही जा रहा है। लोग बंद करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन वो जितना विरोध करते उतना बढ़ता है। ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन पहले से ठहराया गया है, उसकी प्रभुता कभी रुकेगी नहीं, उसके शांति का अंत कभी भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज यीशु आपसे बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा, आपको आज यीशु उठा के खड़ा करने जा रहा है। आप यदि बीमारी में हैं तो उस परिस्थिति से यीशु आपको उठा के खड़ा करने के लिए जा रहा है। आप सोच रहे हैं मेरे जीवन में अब कोई जीवन नहीं, यीशु आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए जा रहा है। आप विश्वास करते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करें। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे प्रिय लोगों के लिए जिसे तूने चुना है। पिता, आज के वचन को इन्होंने सुना है, इनके जीवन में आपकी ओर से बहुतायत के आशीषों को बोलते हैं। ये जिन परिस्थितियों में टूटे हैं, बिखरे हैं, प्रभु ये जुड़ जाएं यीशु के नाम में। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। अपने बच्चों पर अपना हाथ बढ़ाइए और इन्हें छू लीजिए पिता, इन्हें शांति दीजिए और ये तेरी महिमा में तेरे दूसरे आगमन तक के लिए ये तैयार हो जाएं और तेरे साथ स्वर्ग राज्य में आनंद करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।